छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 phases एज वॉज डन लास्ट टाइम। 7 phases। फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम 20th March नोटिफिकेशन, 5 days फ्रॉम नाउ, एंड लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल वुड बी 30th March एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 19th अप्रैल। इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्यौहार है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 parliamentary constituency। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th of April। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ J&K बिकॉज ऑफ दी सम हॉलीडे दी डेट ऑफ वन डे वुड बी डिफरेंट, डेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन वुड बी डिफरेंट, बट डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज वन में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th of June फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th of April एंड फिनिशिंग ऑन 25th of May 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th phase नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th of May
and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And this phase mein pura Punjab, Haryana bhi shamil rahega, Bengal, Bihar, Odisha. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you. Jaki aap ise apne saath rakh sakein, iske hisab se dekh sakein. Ye bhi koshish ki hai humne, aur agar puri phase wise hum picture dein, ye bhi ek achhi snapshot hai, jisme phase 1 mein 102 constituencies, phase 2 mein 89, phase 3 mein 94, phase 4 mein 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. So isme weather aur har cheez ka dhyan rakhte hue kafi sochne ke baad ye schedule banaya gaya hai. With this jo single phase single poll date hai wo 22 state mein hogi. Do राज्य चार बार में जाएंगे, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. तीन फेज में दो जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. चार फेज में तीन जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. फाइव फेज में दो जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी. और सात फेज में तीन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माई एड्रेस. And thank you very much. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please, please hold on, hold on, hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. माइकर्स आपके पास आएंगे. तो वी विल स्टार्ट विद यू इन फर्स्ट रो. वेयर आर द माइकर्स? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो या सी सी सर विल टेक 4-5 क्वेश्चन एट वन टाइम, सो आफ्टर दैट विल टेक द नेक्स्ट पर्सन. सर, मैं मोहित दुबे हूं न्यूज नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने सात चरणों में मतदान ये करवाया है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि सात चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेकर लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए. जो हाँ, यस, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह चौहान है. आई वुड